हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारा मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो कैनेडियन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एक ट्रैप है। अब ट्रैप का सीन ये है कि देखें, जिस यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ उसके अंदर भी ये ट्रैप है, और काफ़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कैनेडा के अंदर, और बहुत सारे लोग जो इवन एक दो और लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, वो लोग भी इस ट्रैप से फंसे हुए हैं। और लाइक कंटिन्यूस बेसिस पर मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम और अदर लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या लोगों के यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि भाई हमें फाउंडेशन मिला है। लाइक अगर आप फॉर इंस्टेंस आप 12th के बाद आ रहे हो और आपकी परसेंटेज कम है तो फाउंडेशन लगा है तो चलो ठीक है, समझ आता है। बहुत सारे लोगों का जो है वो बैचलर्स हुआ हुआ होता है और उसके बाद भी उनको फाउंडेशन लगता है। देखिए मैं थोड़ा सा ना समझा देता हूँ कि सिचुएशन होती क्या है। फाउंडेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कैनेडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लगाती क्यों? पहली बात तो ये समझने की कोशिश करें कि भाई जो कैनेडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनके अंदर एक इशू बहुत बड़ा ये होता है कि वो, अब ये बात जहन में रखें कि ये लोग भी कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, इनको भी पैसे चाहिए तो इनका काम चलेगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कैनेडा के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आता है, और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आता कैनेडा में तो उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा हिट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हिट पड़ता है, जिसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी है वो जो है वो नीचे जाती है। अगर फॉर इंस्टेंस पैंडमिक में इन लोगों ने नहीं किया था तो एटलीस्ट ये लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे थे ताकि इनका पैसा जो है वो मिलता रहे। अच्छा, तो भाई कैनेडियन इकोनॉमी जो है वो बेस करती है किसके ऊपर? वो बेस करती है पैसों के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्राइवेट फीस के ऊपर। इस ही वजह से तो हल्का सा भी इनको, हल्का सा भी ऐसा स्टूडेंट लगता है ना कि यार इस पे तो हम लगा सकते हैं फाउंडेशन, तो वो लोग लगा देते हैं। अच्छा, मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी या किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑल ओवर कैनेडा के अंदर बात हो रही है कि देर इज़ अ बिग फाउंडेशन ट्रैप इन कैनेडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आई वुड अगेन से, देखिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो कोई मसला ही नहीं है ना। पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो इफ़ यू डोंट क्वालिफाई, एक तो उनका लिमिटेड कोटा होता है 200 सीट्स हर सेमेस्टर, और उनका एक सेमेस्टर साल में एक ही सेमेस्टर होता है सितंबर, या मेजॉरिटी का चलो जनवरी होता है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साल में दो दो तीन तीन चार चार इनटेक्स होते हैं, और उनमें उन लोगों को ये होता है कि भाई हम बच्चों पे प्राइवेट फाउंडेशन लगाएं और फीस कमाएं। फाउंडेशन क्या होता है कि आपका एक नॉर्मल प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एमबीए पे आया था तो मेरा एक एमबीए का प्रोग्राम था तो डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा था, अदर देन दैट उसके अलावा जो है वो मुझे एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिसकी $5,000-6,000 फीस है। अब मेरे केस में तो वो था नहीं, और मुझे लगाते भी तो मैं निगोशिएट करता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ गेम यही होता है, आपको निगोशिएट करना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप ये साथ जहन में रखें कि आपको दो ऐसे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, पहला निगोशिएट करो, दूसरे दो पॉइंट जो हैं वो ये हैं कि अच्छा तो बात ये है कि भाई फाउंडेशन जो है वो किस स्टूडेंट के ऊपर लगता है। फाउंडेशन दो तरीके के स्टूडेंट के ऊपर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एमबीए प्रोग्राम की बात करूँ, फिर मैं उसको पीछे भी रिलेट करता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाए। पहले उस स्टूडेंट के ऊपर लगता है, पहला उस स्टूडेंट के ऊपर लगता है, फॉर एग्जांपल एमबीए की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वो एमबीए करने आ रहा है या मास्टर्स करने आ रहा है कैनेडा के अंदर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अगेन सेइंग पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये सारे चोचलेबाजियाँ नहीं होती हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपका फॉर एग्जांपल इनकी रिक्वायरमेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आपका ना 3 CGPA होना चाहिए, 3 out of 4 होना चाहिए, या आपके ना 70% एंड अबव होना चाहिए परसेंटेज, तो अगर आपका जो परसेंटेज है आपके जो अकेडमिक्स का लास्ट बैचलर्स का रिजल्ट है वो आपका 70% से कम होता है। इसी तरह कोई बैचलर्स पे आ रहा है तो उसके इंटर में जो है वो 70% से कम मार्क्स होते हैं, तो उसको ये लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले, बार बार कह रहा हूँ बिग ट्रैप है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैनेडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये लोग उसको फाउंडेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एक तो बच्चा भी वीक होता है, वो भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, क्योंकि भाई आपने जब पिछले वाले में नहीं किया तो आप कोप अप नहीं कर पाओगे जिनकी अच्छी परसेंटेज है नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ना वो बैचलर्स वालों पे एप्लीकेबल होता है एक हद तक, अगर आप लोगों ने अपने जो है बहुत अच्छा, यहाँ पे होता है कि आप इंटर्नशिप करते हो आफ्टर 12th आफ्टर हाई स्कूल ना, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बहुत उनके पास प्रोफेशनल एक्सपोजर होता है, और यहाँ पे लोग छोटी छोटी जगहों पे इंटर्नशिप्स करते हैं या वॉलंटियरिंग सर्विसेज वगैरह करते हैं या सोशल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको एज मिल जाता है कि यार इसके बाद थोड़ा सा ना प्रोफेशनल दिमाग है, वो आपको एग्जाम्प्ट करा देता है। बट हमारे यहाँ जो 12वीं वाले होते हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं है ना, तो इसकी वजह से जो बैचलर्स में आते हैं यहाँ पे कैनेडा में बैचलर्स करने आते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो अब कोई बैचलर्स के बाद बैचलर्स अपने होम कंट्री में करके मास्टर्स पे आ रहा है तो उसके ऊपर भी यही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि अगर आपने खाली फॉर एग्जाम्पल आपने BBA किया, खाली बैचलर्स किया और आप फिर मास्टर्स करने आ रहे हो, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप मास्टर्स करने आ रहे हो, तो यहाँ पे इनकी ये सोच है भाई मास्टर्स तो ये लोग यहाँ पे वैसे ही कम बंदी करते हैं,
और मास्टर्स के लिए एटलीस्ट आपका कुछ भी नहीं ना, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ मेंशन होती है, लेकिन हम लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते कि भाई इसमें मेंशन होती है, बट फिर भी वो लोग जो है ना वो नहीं समझते। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड या वुड से कि अगर आपकी प्रोफाइल में आपके पास मिनिमम 1 या 1 साल से ऊपर या 2 साल का जो आपका है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और आपका CGPA जो है ना, आपका CGPA जो है आपकी परसेंटेज है वो 70% से अबव है इन योर आइदर योर इंटर या इन योर बैचलर्स, और एंड योर कमिंग फ्रॉम कैनेडा, मतलब कैनेडा पा रहे हो मास्टर्स करने के लिए, या फिर एक और पॉइंट में अगर इसको हम कंसिडर करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कि आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फाउंडेशन नहीं लगना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी, आपने बहुत काम भी किया है, आपका CGPA वो 12 जो है वो बैचलर्स में या 12th में 70% से ऊपर है, या 3 out of 4 GPA या 3 and above out of 4 GPA, तो आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था कि लोग यहाँ पे निगोशिएट नहीं करते, स्टूडेंट्स खास तौर पे। देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कमाने के लिए बैठी हैं लेकिन आपको कनाडा भी पहुंचा देती हैं, तो ये भाई हमें भी तो अपना फ़ायदा देखना है ना, उनको भी देखना है, हमें भी देखना है, हम भी अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि निगोशिएट विद देम, उनको आप लोग ईमेल करें, उनसे आप बात करें, निगोशिएट करें, मैंने भी किया था, आप भी करें, ईमेल करें उनको प्रोफेशनल तौर पर और उनको बोलें कि भाई मुझे जो है वो फाउंडेशन नहीं लगता बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी परसेंटेज अच्छी है, तो इन बेस पर मेरे पास नहीं लगना चाहिए। तो गाइस, ये चीज़ आप लोग ईमेल करेंगे और उस बेसिस पर वो लोग जवाब देंगे, वो लोग रीअसेस करके आपको जवाब देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमसे बात करो, उनको उनको हमारा केस नहीं पता, हमें समझाना पड़ता है उनको हमारा केस। तो गाइस, यहाँ तक वीडियो रखते हैं। तो इट्स अ बिग ट्रैप इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि पैसा डॉलर्स इनके लिए कन्वर्जन बहुत अच्छा रहा होता है, क्योंकि फीस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है वो डबल होती है। तो आई होप गाइस यहाँ तक वो पॉइंट समझ आएगा, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।